आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्त में पथरी दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब, भादुरपुरा एक्स रोड, 9390610436 पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज, सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, इलिया शरफुद्दीन साहब रहते हैं इंडिया में, हम कई इनकी न्यूज़ें डालते हैं, लेकिन हमें अफसोस ये है कि ये रहते हैं इंडिया में, खाते हैं इंडिया का और ज्यादा गाते हैं सऊदी अरब की। हालांकि सऊदी अरब में कैसे काम हो रहे हैं, नंगा नाच हो रहा है और थिएटरें खुल रही हैं, इसके बावजूद ये खामोश हैं। स्मृति रानी सऊदी अरब के ऐसे मुकद्दस मुकामात पर गई है, सारे लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इलिया शरफुद्दीन को कुछ और लगी हुई है। इन्होंने ये कहा कि स्मृति रानी सऊदी अरब तो गई है, मक्का मुकरमा भी गई है, अगर इस्लाम कबूल कर लेती तो बहुत अच्छा था। ये छोड़ दीजिए बात करें कि इस्लाम कबूल कर लीजिए, हिंदू मुस्लिम, ऐसी बातें करने से हिंदू मुस्लिम भाइयों में नफरत बढ़ जाती है। आप मुद्दे की बात करिए, आप बात ये करिए कि इस खातून को वहां कैसे बुलाया गया, क्योंकि आज तक कोई भी गैर मुस्लिम खातून या कोई गैर मुस्लिम मर्द ऐसे मुकद्दस मुकामात पर नहीं गया। तो आप बजाय सऊदी अरब को तनकीद करने के दूसरी बातें कर रहे हैं। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह ताला मेरे सऊदी अरब, मेरे भारत और पूरी दुनिया पर, फलस्तीन पर अमन व सलामती, शांति उन्नति नाजिल करे। जालिमों को अल्लाह हिदायत दे या हटा दे। बीजेपी के मिनिस्टर, आरएसएस की खास वर्कर स्मृति ईरानी मदीने के अंदर आई है, वीडियो बता रहा है। मैं कहना चाहता हूं, बेहतरीन मौका है स्मृति ईरानी के लिए, फौरी इस्लाम कबूल कर लें, एक ही अल्लाह की इबादत, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर आ जाएं, दुनिया में कामयाबी, आखिरत में कामयाबी। एक दिन मरना है, याद रखिए। मोदी जी, अमित शाह, मोहन भागवत कोई बचाने नहीं आते, अल्लाह बचा सकता सिर्फ। तो अल्लाह की इबादत और नबी की इताअत पर आ जाएं, लिंगम योनि जानवर पत्थर मूर्ति इंसान मुर्दे तागे तावीजा गंडे पलितों की पूजा से तौबा कर ले और इस्लाम लाकर दोनों जहां में कामयाब हो जाए, इज्जत महफूज रहेगी। देखिए वहां चिन्मयानंद, आसाराम, सेंगर, गुरमित राम, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू बेटियों का बलात्कार हो रहा। स्मृति ईरानी, आप कलमा पढ़ के इस्लाम में आ जाओ, आपकी, आपके बेटियों की, घर वालों की हिफाजत हो जाएगी। दूसरी बात, मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से गुजरने से पहले जो आखिरी राशन खरीदा गया वो राशन था यहूदी की दुकान से। पता चला मदीने में यहूदी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने वाला, अबू लुलू फेरोज, आग की पूजा करने वाला मजूसी, यानी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर तक भी मुशरिकीन मदीने में थे। नजरान के ईसाई मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर अल्लाह के बारे में सवाल करते हैं, दीन के बारे में। 3 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मेहमान रखते हैं, इतवार के दिन कहते हैं कि आज तुम्हारी इबादत का दिन है, कोने में इबादत कर लो, और सूरह इखलास अल्लाह नाजिल फरमाता है तो रसूलुल्लाह सुनाते हैं। पता चला ईसाई भी मदीने में आए थे रसूलुल्लाह सल्लम की जिंदगी में। तो भाइयों, दीन पहुंचाना है और दीन पहुंचाकर इस्लाम में दाखिल करना है, और उसके लिए अगर किसी को मदीने में एंट्री देना पड़ा तो उसकी इजाजत मिलती है। ये कुरान, बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, निसाई, बहकी, मुस्नद इब्ने अहमद, अहादीस की किताबें पढ़े तो समझ में आएगा। तो इस्लाम की दावत देते जाएं, शिर्क बिदात हराम से रोकते जाएं, दोनों जहां में कामयाबी पाए, अल्लाह की इबादत नबी की इताअत से। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम, आरएस यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, ऑपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है
एच शहर की खबर है, गाँव की खबर है, सारी दुनिया की 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।